आप ध्यान आकर्षण, सीपी बाबू कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सीपी बाबू को बोल। इधर आपको दे, इसके बाद आपको दे रहे हैं। व्यवस्था है मेरा, इसके बाद सीपी बाबू को बोलने दीजिए, उसके बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तावा गर्म होता है तो रोटी उसी समय बनाया जाता है अध्यक्ष महोदय, वो प्रासंगिक होता है। तो मैं जिस समय आपसे व्यवस्था पर समय लेना चाह रहा था, आपने दिया नहीं, और तावा ठंडा हो गया, मैं उसी में रोटी बनाने का प्रयास करूंगा अध्यक्ष महोदय। अभी एक माननीय सदस्य ने शून्य काल में कहा कि हेमंत सोरेन जी दरिया दिल्ली दिखा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से अभी शून्य काल हो रहा था अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न थे सभी माकूल थे, महत्वपूर्ण थे, मुझे उससे आपत्ति नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, शुरुआत उमाशंकर अकेला जी से हुआ, तमाम माननीय सदस्यों ने जो शून्य काल पढ़ा, आपके हाथ में भी कागज होगा अध्यक्ष महोदय, आप उसको देख लीजिए, उसके अंतर्गत 50 शब्दों में ही शून्य काल को समेटना है अध्यक्ष महोदय। तो मैं तो आपकी तारीफ में ही कहूंगा कि आप तो दरिया दिल्ली की प्रकाष्ठा कर दी है अध्यक्ष महोदय। दूसरा बात अध्यक्ष महोदय, एक सूचना का बात अपने, बस बस इसी में एक ही सूचना का बात आपका था उसको, वो मेरा व्यवस्था पर प्रश्न था। दूसरा सूचना ये अध्यक्ष महोदय, आग्रह के साथ कि कल माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मनीष जायसवाल जी को आपने कागज फाड़ने के कारण उनको सदन से इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय कागज को फाड़ा अध्यक्ष महोदय, मैं देखा यहाँ ढेर लग चुका था कागजों का, तो एक व्यक्ति को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया अध्यक्ष महोदय? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों को निलंबित करना चाहिए था, आपने नहीं किया। मैं आग्रह ये करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि कम से कम आज मनीष जायसवाल जी को सदन के अंदर बुला लिया जाए अध्यक्ष महोदय, मेरा यही आग्रह आपसे करना है। ठीक, प्रदीप जी का क्या सूचना था?